अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी जो नई गवर्नमेंट है 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के अंतर्गत जो भी आपका प्रशासन आया हुआ है, इसके सबसे महत्वपूर्ण काम आपको बताना है, या फिर आंसर राइटिंग में इस तरह की कुछ बातें बोलने के लिए जाए, या कहीं आप इंटरव्यू दे रहे हैं वहां अगर आपसे पूछने के लिए आ जाए, तो बेझिझक आप दो योजनाओं का नाम तो क्लियर ले सकते हैं। एक स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा था आपने देखा था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता। ये दो मैं कहता हूं कि भारत को एक नई दिशा में इन दो का योजनाओं का बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से स्थान है। वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन इन दो को आप समझ सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही खास हमारे हर समाज के लिए जरूरी था। मात्र तो आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। आप जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साहब हैं, इन्हें मतलब इन्हीं की एक तरह से जन्मदिन के अवसर पर इसे शुरू किया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं जनधन खाता योजना के बारे में, किससे क्या क्या लाभ मिले हुए हैं, और भी इसके जो भी एंगल होंगे, पक्ष होंगे, उन्हें भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 28 अगस्त 2020 को 6 वर्ष पूरे किए हुए हैं, इसलिए ये आर्टिकल आपका चर्चा में। आपको बड़ी इसके आंकड़े जो है नए, बड़ी देखकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि हमारा 2014 के पहले हम कहाँ जी रहे थे, 14 के बाद से कहाँ जी रहे हैं। यहाँ मेरा किसी पार्टी को नीचा दिखाना, किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाना कोई भी उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अपना परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है आर्टिकल, इसलिए बता रहा हूँ। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर आपको लगे कि किसी का साथ दे रहे हैं, किसी का वो कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की गई थी, और इस योजना को 28 अगस्त 2014 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। तो आप वन डे एग्जाम में या आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकता है कि इसकी घोषणा कब की गई थी, इसका आप देखेंगे लागू कब से हुई है। तो आप देखेंगे 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री साहब ने इसे जनधन योजना की घोषणा की थी, और आप समझते हैं कि देश भर को संबोधित करते हैं 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री रहे उस समय, तो लाल किले से इसकी एक तरह से आह्वान किया था, और 28 अगस्त को ये 2014 को लागू हो चुकी थी, खाते खुलने शुरू हो गए थे। देखिए आप लोग अगस्त, 16 अगस्त को देखिए, 17 अगस्त को देखिए, 18 अगस्त को, 19 अगस्त को, 20 अगस्त को, कितने हाई मतलब कितने भयंकर तरीके से जल्दी जल्दी खुले। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके तहत आपको देखेंगे कितना 40.35 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके तहत 40.35 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। आप समझ रहे हैं, गौरतलब है कि इस योजना को लागू करने से पहले देश में इसके तहत 17.90 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। कितने? 17.90 करोड़। और आप सोचिए कि एक मतलब इस योजना के आने से कितनी संख्या बढ़ गई, सीधी 40.35 करोड़ हो गई। हालिया आंकड़ों की अगर हम बात करें तो देश के विभिन्न बैंकों में जनधन खाता में जमा धनराशि 1.30 करोड़ रुपए से अधिक है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं रहती है। अगर आपके अकाउंट में 0 रुपया भी रहता है तब भी आपका चालू रहेगा, बस आपको 6 महीने के अंदर उससे मतलब उससे देखते चेक मेक करवाते रहना चाहिए। ठीक है, एक तरफ से एक्टिव बना रहना चाहिए उस पर। वही अभी भी आप जीमेल देखते हैं या फेसबुक देखते हैं कि 3 महीने तक नहीं खुलते हैं तो डीएक्टिवेट हो जाती है, बंद हो जाती है 3-4 महीने के बाद, तो इसलिए आपको एक्टिव रहना पड़ता है। तो इसमें भी आपको लेन देन करें या ना करें, बस आप एक्टिव यानी कि एक दो बार चेक करवाते रहें। इसमें आप सबसे बड़ी बात इसमें क्या देखेंगे आप लोग कि इस योजना के तहत खोले गए कुल बैंक खातों में से 63.6% ग्रामीण क्षेत्रों में थे, यानी कि शहरी क्षेत्रों में आप जान सकते हैं कि कोई भी खुलवा सकता है क्योंकि वो काफी पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इसमें 63.6% ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने खाता जोड़ा, यानी कि बैंक से जुड़े वो लोग, समझ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों गांव के लोग। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही। अभी आप देखते थे कि महिलाओं के खाते कम ही रहते थे बैंकों में, लेकिन इस योजना के आने से महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी, 55.2% हो गई। ठीक है,
फिर रूरल हो गया ये अर्बन हो गया, शहर है या ये आपका ग्रामीण। ठीक है, उद्देश्य की अगर बात करें इसके, तो किफायती मूल्य पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, लागत में कमी लाने और पहुंच की को व्यापक बनाने हेतु तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना, इससे एक और लक्ष्य होगा साबित, मतलब इससे आप समझिए एक उद्देश्य और पूरा होगा। अभी आज आप जानते थे कि हमारे राजीव गांधी साहब, हमारे प्रधानमंत्री, पर अटल बिहारी साहब ने बोलते रहे कि 1 रुपया मैं ऊपर से भेजता हूँ, 12 पैसे नीचे पहुंचते हैं, यानी कि 20 का जो पैसा रहता है वो लोग खा जाते हैं, समझ रहे हैं? नेता खा जाता है, कोई कहीं कोई खा जाता है, इस तरह से जनता तक कुछ नहीं पहुंच पाता है, लगभग बराबर 0 के बराबर। इसलिए क्या होगा आपकी, अब देखिए डायरेक्ट खाते में पैसे आएंगे आपके, मनरेगा की तरह तरह आप देख सकते हैं, और भी कोई भी योजना हो रही है आपको, अभी किसानों को अगर कोई ऋण मिल रहा है या कोई छूट मिलनी है, तो वो भी आप देखते हैं कि डायरेक्ट आपके खाते में आ जाता है। जब आपके खाते में डायरेक्ट आ जाएगा तो कौन खाएगा, आप जब तक निकालेंगे नहीं वो आपके पास रहेगा। और अगर आप सोचिए कि आपके सरपंच साहब के पास पहले पैसा आता होता फिर आपको पहुंचता, तो सरपंच साहब आधे गटक जाते, फिर उसके बाद आप देखते कि सेक्रेटरी साहब आधे गटक जाते, यानी कि ऊपर से 100 रुपये चलते तो आपके पास 10 रुपये मालू चला पहुंच रहे हैं, पहले यही देखा जाता था। तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है, अगर सरकार को कोई लाभ देना है तो डायरेक्ट पैसे भेज दीजिए उनके अकाउंट में। ठीक है, इस कोरोना महामारी में भी तो आपने देखा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है सरकार के द्वारा, वरना आप सोचिए कि अगर सरकार वैसे देती अगर किसी विधायक को या किसी भी इस तरह के नेता को, तो आप देखते कि अधिक पैसे गप हो जाते। मूल सिद्धांत की बात करें तो बैंकिंग पहुंच से दूर व्यक्तियों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है, सुरक्षा प्रदान करना है, वित्त पोषण की सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, ये सभी इसके मूल सिद्धांत। एक बात और आपको बता दूं, कई लोग आपको भड़काने के लिए बोलते रहते हैं कि इसमें मिनिमम पैसा मोदी ने आपको लूटा है, तो मैं एक बात सामान्य, वैसे मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, वो आपकी सोच है कि लूटा है कि क्या किया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी सुविधा वाली बात यह है कि आपको 0 रुपया यानी कि कोई मिनिमम पैसा नहीं रखना है, ना तो 2,000, ना 500, ना 3,000। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि इसके तहत जो खुले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और बाकी अकाउंट देखते हैं तो उसमें 3,000 किसी को 1,000 अकाउंट में रखना पड़ता है, वरना आप सोचते हैं चार्ज लगता है। अगस्त 2020 तक आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत खोले गए गए 40.35 करोड़ खातों में से 34.81 करोड़ खाते सक्रिय हैं, यानी कि अभी भी चालू हैं। अगस्त 2015 से लेकर अगस्त 2020 के बीच इस योजना के तहत खातों की संख्या में 2.3 यानी कि 2.3 गुना वृद्धि और जमा राशि में 0.7 गुना वृद्धि देखी गई है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अभी जैसे चलिए गांव में कोई कमा रहा है 200-300 रुपये डेली का कमा रहा है, तो वो भी क्या करता है कि 100 रुपये आज बचा लिए उसने, 100 रुपये कल बचा लिए, इस तरह से वो भी क्या करेगा कि अपने बैंक में कुछ पैसा रख लेगा मुसीबत के लिए या कोई भी कार्यक्रम होता है इस तरह की, तो गरीब भी अब एक तरह से पूंजी इकट्ठा करने लगे हैं, समझ रहे हैं? वर्तमान में इस योजना के तहत प्रति खाता औसतन जमा राशि 3239 रुपये तक पहुंच गई है, यानी कि औसतन का मतलब ये होता है कि एक कॉमन संख्या ले ली जाती है, ठीक है, सबके खातों में। अगस्त 2015 की तुलना में इस योजना के तहत प्रति खाता औसतन जमा राशि में 2.5 यानी कि 2.5 गुना गुने की वृद्धि देखी गई। गौरतलब है कि इस योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में न्यूनतम धनराशि जमा रखने की अनिवार्यता नहीं है होती है, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि मैंने देखा है कोई कई नेता इस तरह के भाषण देते रहते हैं कि मोदी की चाल है, इसमें न्यूनतम रखना होता है, गरीबों के पास कहाँ से पैसा आया, न्यूनतम क्या कर पाएंगे वो, तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है, आपने अगर इसे खुलवाया है तो आप उसमें 0 रुपया भी रखा रहेंगे तब भी आपका बंद नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए तो बोलता हूँ कि एक हकीकत जान लिया करेगा, उसके बाद आप लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कमेंट किया करेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर किस तरह से झूठ फैलाया जाता है, और आप भी जानते हैं कि सच को फैलने में हो सकता है कि 10 से 15 दिन लगेंगे, वहीं झूठ को आप देखिए कि 1 घंटे में पूरे देश में फैल जाएगा। इस योजना के तहत कैशलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए अब तक 29.75 करोड़ खाता धारकों को रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं, आप समझ रहे हैं? अब एटीएम कार्ड उनके पास भी पहुंच गया जो इसके तहत जिसने भी खाता खुलवाया है वो भी आजकल एटीएम कार्ड का यूज कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से बैंकों पर बिना किसी अतिरिक्त दबाव के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई।
इस योजना के क्रियान्वयन में सरकार की तत्परता से निम्न आय वर्ग के परिवारों को बचत करने का एक साधन प्राप्त हुआ है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक बैंकिंग पहुंच में वृद्धि हुई है और इसके तहत महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी इस योजना की एक बड़ी सफलता है। आप लोगों से एक बात और कहूंगा कि मैं कभी नहीं बोलता हूं कि इस एक क्लास में कुछ शेयर करिए या इस तरह का कुछ भी करिए, लेकिन इसे जरूर आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप इस तरह शेयर कर दिया करिएगा, क्योंकि आपने देखा है कि गरीब हमारे सबसे ज्यादा लूटे जाते हैं और वो जल्दी भड़कावे में आप भी आ जाते हैं। और क्या होता है कि एटीएम कार्ड उनके पास फोन आएगा, इस तरह के आप फर्जी नहीं देखते रहते हैं, अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो याद रखिए एक बात, आप लोग हमेशा दिमाग में याद रख लीजिए, आपसे ओटीपी बैंक मैनेजर या बैंक का कोई भी अधिकारी कभी नहीं पहुंचेगा फोन लगाकर, ठीक है, कॉल करके आपके पास। एटीएम का कार्ड आपसे कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा बैंक का कोई भी अधिकारी आपको फोन लगाकर। अगर आपका एटीएम बंद हो जाता है तो आपको खुद जाना पड़ता है बैंक, ना कि वो लोग आएंगे आपके पास फोन। तो आप लोग इस तरह की फर्जी अफवाहों से बचें और अपने अकाउंट को भी सेव रखें, क्योंकि मैं अभी भी देखता हूँ, एक दिन सुबह 6 से 7 बज रहे थे, कोई किसी का फोन आया बोला मेरा एटीएम बंद हो गया। तो मैंने बोला कि ठीक है, किस बैंक से? तो बोला पंजाब नेशनल बैंक से, और पता है मेरा पंजाब नेशनल बैंक में था ही नहीं अकाउंट। तो मतलब इस तरह के भी फर्जी चलते रहते हैं, तो आप लोग बड़े सचेत रहा करिए। और देखता हूं कि अधिकतर गरीब ही लूटे जाते हैं इस तरह के, क्योंकि समझदार जो पढ़ा लिखा होता है वो काफी जानता है। तो एक दूसरे को जागरूक करते रहिए। योजना को प्रभावी बनाने का प्रयास की बात करें तो इस योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने सन 2018 यानी कि वर्ष 2018 में योजना के तहत खोले गए नए खातों यानी कि 28 अगस्त 2018 के बाद रुपे कार्ड बीमा के माध्यम से दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे ये और सुविधा अच्छी हो गई कि आप सोचिए, आप अकाउंट खुलवा लेते हैं तो एक तरह से आपको बीमा भी हो जाता है, आपके परिवार के लिए काफी सुरक्षा भी हो जाती है। सरकार ने इस योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट की सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए 10,000 रुपए कर दिया गया। इस सुविधा के लिए 18 से 60 वर्ष आयु सीमा को बढ़ाकर 18 से 65 वर्ष कर दिया गया है, यानी कि आप एक दिन में इतना लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन में को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अपना ध्यान प्रत्येक घर से हटाकर हर बैंक खाता रहित वयस्क तक कर दिया है। COVID-19 महामारी के दौरान महिलाओं को आर्थिक चुनौतियों से निपटने हेतु सरकार के रूप में सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को सभी महिला जनधन खाता धारकों को के खातों में 3 माह तक 500-500 रुपये जमा करने की घोषणा की थी। आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर इस तरह के खाते हैं किसी माँ बहन बेटी के, तो आपके यहाँ आ रहे होंगे खाते। अन्य सुधार की अगर बात करें हम लोग, तो केवाईसी की जटिल औपचारिकताओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने हेतु सरलीकृत केवाईसी की शुरुआत की है, यानी कि आप ये अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो आप सरपंच से भी अगर कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, दस्तखत करवा लेते हैं, तब भी आपका खाता खुल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप SBI में जाइए कभी इससे पहले या कभी आप गए होंगे, तो बड़े परेशान होना पड़ता था। मेरा भी खाता नहीं खुला था मेरे द्वारा, पता है, बिना सपोर्ट के कभी नहीं खुला था, मैं बड़ा परेशान हुआ था। तो ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, रुपे डेबिट कार्ड या आधार समर्थित भुगतान प्रणाली के माध्यम से अंतर संचालन की सुविधा भी है। पूर्व की ऑफलाइन प्रणाली के स्थान पर इस योजना के तहत खोले गए सभी खाते ऑनलाइन होते हैं, जिन्हें बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली से समृद्ध किया गया। जनधन दर्शक है, सरकार द्वारा नागरिकों को बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंक मित्रों, डाकघरों आदि की अवस्थिति की जानकारी हेतु जनधन दर्शक है लॉन्च किया गया है। इस ऐप का प्रयोग ऐसे गांव की पहचान के लिए भी किया जाता है जहां 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके तहत चिन्हित गांव में राज्य स्तरीय बैंक समितियों के सहयोग से बैंक शाखा शुरू करने का प्रयास किया जाता है। और आपने देखा होगा कियोस्क बैंक आपके गांव में भी खुली होगी, तो आप वहीं से इस तरह का खाते खुलवा सकती हैं, आपको शहर में भी भागने की जरूरत नहीं है। 5 किलोमीटर के अंदर में आप देखते हैं कि खुले होते हैं, ठीक है, आपके घर से 5 किलो के अंदर में खुले रहते हैं। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें, उसे देख लीजिए। PMJZY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना खाताधारकों का सूक्ष्म बीमा योजनाओं के तहत कवरेज
सुनिश्चित करने हेतु पात्र खाता धारकों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। रुपे कार्ड और अन्य सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कैशलेस विनिमय को बढ़ावा दिया जा रहा है। जानिए जनधन योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान भी दिया जाना चाहिए। और एक बात और हमेशा याद रखिए कि सबसे अच्छा लगा कि डायरेक्ट इस देखिए आपदा आई हुई थी, महामारी आई हुई थी कोरोना, तो इसमें काफी मदद भी हुई है महिलाओं के लिए, काफी पैसा। ठीक है, अब जितना मिल रहा है देखिए, ना मिलने से अच्छा तो है कम से कम कि जितना मिला उतना सही। तो इन पॉइंटों को आप लोग जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हो वहां डाल सकते हैं, और आप निबंध भी लिख रहे हैं वहां भी डाल सकते हैं। ठीक है,